नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं एडीएस के रॉक्स। कल मैंने एक वीडियो डाला जहां मैंने कहा कि कैसे सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सदी के सबसे निडर और निष्पक्ष पत्रकार रवीश बाबू। वो कह रहे हैं कि बोल की लब आजाद है तेरे, मोदी मीडिया अभिव्यक्ति को बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश कर रही है। बताइए, इंसान बोलेगा नहीं तो क्या करेगा? सवाल पूछना मना है, गुनाह हो जाता है। मुझे पता नहीं था या मुझे आभास भी नहीं हुआ कि जब मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसी समय दिल्ली के मालिक ने कुछ ऐसा डंडा चलाया कि सो कॉल्ड सच्चाई के पत्रकार, निडर पत्रकार रवीश बाबू, जो अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करते हैं, उन्हीं के चैनल एनडीटीवी ने खबर चलाई कि केजरीवाल की जो लड़की है हर्षिता, वो 34,000 की ठगी की शिकार हो गई। मतलब दिल्ली का ठग जो दुनिया को ठग रहा है वो खुद ठगी का शिकार हो गया, और दुनिया को अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ाने वाले रवीश कुमार का चैनल एनडीटीवी खुद ऐसा केजरी के डंडे से डरा कि खबर को डिलीट कर दिया। मतलब वो पोस्ट डिलीट कर दी उस चैनल ने जो खुद को निडर पत्रकारिता का ब्रांड एम्बेसडर बोलता है, और वो पत्रकार रवीश कुमार जो बीजेपी के खिलाफ कोई भी कुछ बोले तो उसे सपोर्ट करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं सच्चाई की बात का, निडर पत्रकारिता का, तीखे सवालों का, कि किसी से डरना नहीं चाहिए, आप रखिए खबरें सबके सामने। लेकिन जब इनकी लॉबी से कुछ होता है तो मुंह में दही जम जाता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बता देता हूं। दिल्ली के ठग की जो बिटिया रानी है हर्षिता, वो एक 34,000 का सोफा, वो केजरीवाल जिसके पास सिर्फ एक जोड़ी शर्ट पैंट था, स्लीपर में चलता था, वो आम इंसान जो ढंग के कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता, ये अलग बात है कि बेंगलोर जाना है, करोड़ों रुपए के समोसे खा जाने हैं, वो आम आदमी जिसके पास चप्पल थी और बस सादे सिंपल एक जोड़ी शर्ट पैंट, 34,000 का सोफा था इनके यहाँ जो कि ये बेचना चाहती थी ओएलएक्स पे, लेकिन ये बेचने के चक्कर में ऐसी ठगी के शिकार हुई, क्यूआर कोड का जो फ्रॉड होता है उसके चक्कर में, ये खुद पैसे लेने के चक्कर में इन्हीं के अकाउंट से 34,000 रुपये चले गए। अब इसके बारे में एफआईआर वगैरह हो चुकी है, लेकिन दिल्ली के सरकार के जो पसंदीदा मीडिया है उस मीडिया ने ये खबर चलाई तो ऊपर से फटकार पड़ गई, और इनका सो कॉल्ड निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का जो ग्रुप है एनडीटीवी, उन्होंने आनंद फानंद में वो पोस्ट, वो न्यूज़, वो आर्टिकल्स, सब ट्वीट वगैरह सब डिलीट कर दिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी का बड़ा वो दम भरते हैं रवीश बाबू, लेकिन जब इनकी साइड से कुछ होता है तो इनकी अभिव्यक्ति वगैरह सब घुइयां के खेत में चली जाती है। तो जैसे देश की राजधानी में अभिव्यक्ति की आज़ादी का दम भरने वाले जो रवीश बाबू, उनके चैनल है, उन्होंने अपनी पोल खोली, अपनी हिपोक्रेसी फिर से दिखाई, वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच का दम भरने वाली बॉलीवुड की लिब्रांडू लॉबी है, जो जब उद्धव ठाकरे जब सीएम बनते हैं तो सब कॉपी पेस्ट वाले ट्वीट करते हैं, जब मुंबई में कोरोना, अब आपको पता है मुंबई में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पुलिस फोर्स और जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत कम हैं, तो ऐसे में मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की, बहुत मेहनत की, उनकी इस हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए कोरोना काल में सारे ही क्रिकेटर्स, टीवी एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स सब ने ट्वीट्स किए। अब ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जब महाराष्ट्र सरकार के हिसाब से ट्वीट करें सारे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स कॉपी पेस्ट, तब ओके है। खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री सबको थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमें सपोर्ट किया, सराहा, लेकिन अब माहौल कुछ ऐसा बन चुका है, चूंकि सेंटर में मोदी गवर्नमेंट है तो क्या है कि अब देश की किसी को परवाह नहीं है। अगर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर देश को एकजुट रहने के लिए ट्वीट करते हैं कि बाहरी प्रोपेगेंडा में मत आइए, इंडिया स्टैंड टुगेदर, देशवासियों साथ में मिलकर रहिए, साथ में रहकर हम सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, किसी विदेशी इन्फ्लुएंस या किसी विदेशी पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटी के इन्फ्लुएंस में मत आइए, आप हमारे देश की एकता अखंडता को बनाए रखिए, अगर ऐसे ट्वीट किए जाते हैं तो फिर अब महाराष्ट्र सरकार जांच करेगी, प्रोब करेगी, सचिन, विराट, लता मंगेशकर, तमाम जितने सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स हैं, अब महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि उन्हें ये जो तमाम ट्वीट्स हैं इनमें कॉपी पेस्ट वाला फंडा लग रहा है कि सारे ट्वीट्स एक ही जैसे हैं। अब आप खुद पढ़ लीजिए, ये कुछ महीने पुराने ट्वीट हैं, महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस की जो तारीफ है वो की गई है, अब यहाँ ना तो कोई फैक्ट चेकर आएगा, ना वो प्रतीक सिन्हा आएगा, ना ऑल्ट न्यूज वाले आएंगे, ना रवीश बाबू, ना स्वरा, जिन्होंने खुद इंडिया में कॉपी पेस्ट वाले प्रोपेगेंडा को पैदा किया, ये तमाम लोग अपनी तरफ से जब कुछ होना तो चुप हो जाते हैं, बट अगर कहीं और कुछ हो तो फिर हाय तबाह मच जाती है। ये लिब्रांडो गैंग डे बाई डे खुद को ही एक्सपोज कर रही है, और महाराष्ट्र सरकार ने तो कसम खा रखी है कि वो ब्लंडर पर ब्लंडर करेंगे। खुद अगर सेलिब्रिटीज को बोले कि भाई आप पुलिस की सपोर्ट में, पुलिस की तारीफ में एक जैसे ट्वीट करो तो चलता है, वहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन या प्रोब नहीं होती है,
बट अगर केंद्र सरकार की किसी बात को ये सेलिब्रिटी सपोर्ट करें, क्रिकेटर्स सपोर्ट करें, तो हाय हाय कॉपी पेस्ट हो गया, ये सारे ट्वीट एक जैसे हैं, लगता है इनको डराया गया, धमकाया गया। अब ऐसी बातें करके महाराष्ट्र सरकार खुद अपने ही पैरों पर फिर से कुल्हाड़ी मार रही है, ब्लंडर कर रही है। वो अगर ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री कि शायद क्रिकेटर्स को एक्टर्स को धमकाया गया होगा तभी उन्होंने एक जैसे ट्वीट किए, तो क्या शायद यही वजह थी जब मुंबई पुलिस की तारीफ के लिए सभी ने एक जैसे ट्वीट किए? या आपको वर्ल्ड बेस्ट सीएम बोलने के लिए भी शायद आपने धमकाया था क्या, जिसकी वजह से सारे सेलेब्स ने एक जैसे ट्वीट किए, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अगर यहां आप प्रोब करना चाहते हो ये वाले जो अभी लेटेस्ट ट्वीट्स हुए हैं इनके ऊपर, तो फिर आपको पुराने ट्वीट्स के ऊपर भी जांच करनी चाहिए। प्रोब भारत रत्न सचिन या लता मंगेशकर अगर भारत के सपोर्ट में ट्वीट नहीं करेंगे तो फिर कौन से देश के सपोर्ट में ट्वीट करेंगे? मतलब ऐसा है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि का अगर आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है तो वर्तमान की महाराष्ट्र सरकार को देख लीजिए, उसके बाद तमाम तरह के लोग अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देंगे। मतलब अगर सचिन लता कोई ट्वीट करते हैं तो फिर उनके ट्वीट की जांच होगी, उसके बाद बोला जाता है बोल कि लब आजाद है तेरे। अब आपके सामने ये सारी बातें लाना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जो हमारा प्राइम मीडिया है, जो सो कॉल्ड सच्ची पत्रकारिता का दम भरने वाले रवीश बाबू हैं, वो आज कुछ नहीं बोलेंगे। आज वो फलानी कंट्री और ध्रुव मराठी दुनिया भर के बकवास करेगा, पर यहां कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हारी तरफ से यानी लिब्रांडो लॉबी की तरफ से एक के बाद एक कॉपी पेस्ट वाले ट्वीट हो तो चलता है, बट अगर हमारे भारत देश के समर्थन में अगर सेलिब्रिटीज ने ट्वीट कर दिए तो उनके ट्वीट की जांच होगी, क्योंकि पैटर्न एक जैसा है, पैटर्न एक जैसा। तो पहले वाले ट्वीट्स और वो कठुआ प्लेकार्ड गैंग जो थी उनमें भी पैटर्न एक जैसा ही था, सब कॉपी पेस्ट था, वहां क्यों नहीं जांच की? तो यहां पर ऐसा चल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोलेगा या उनकी कुछ बात मानेगा या उनकी नीतियों का या फिर देश के समर्थन में कोई ट्वीट करेगा तो फिर वो कटघरे में आएगा। लेकिन अगर आप केंद्र सरकार को ताने मारने के लिए, उनको गाली देने के लिए एक कट कॉपी पेस्ट वाला प्रोपेगेंडा चलाएंगे तो फिर आपको रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया जाएगा। ये है आज के भारत का एक कड़वा सच। आप कमेंट करें और शेयर करें आपके भी ओपिनियन, और ऐसे तमाम लोग जो अब तक रवीश को सच्चा पत्रकार मानते रहे हैं, निडर पत्रकार मानते रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की पैरोकारी करने वाला पत्रकार मानते रहे हैं, तो अपनी आंखों का और दिमाग का इलाज करा लीजिए। कल रवीश बाबू उनके चैनल ने खुद ही खुद को फिर से एक्सपोज कर दिया है, और वो पहले से तो करते आए हैं। अगर राजदीप या दूसरे उनके लॉबी के पत्रकार गिरफ्तार हो तो हाय तोबा मचाते हैं, और अर्नब गिरफ्तार हो तो बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, ये वाली बातें करते हैं। ऐसे में फिर ये खुद को अनबायस्ड भी बोल देते हैं, निडर और निष्पक्ष, जबकि हर बीतते दिन के साथ रवीश बाबू ने खुद को एक वन साइडेड पत्रकार साबित कर दिया है कि वो विपक्ष के स्पोक पर्सन बन चुके हैं। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि रवीश एक पत्रकार है, जी नहीं, पत्रकारिता वो कब की छोड़ चुके हैं, अब सिर्फ वो वन साइडेड एजेंडा चलाते हैं बस। अगर उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी की इतनी फिक्र होती तो वो अर्नब के टाइम पर भी बहुत कुछ बोलते, लेकिन तब कुछ नहीं बोला। तो रवीश खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं हर बीतते दिन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपको अब तो रवीश बाबू का असली चेहरा दिख गया होगा कि वो कितने बड़े वाले हिपोक्रेट और दोगले इंसान हैं। वीडियो खत्म करता हूं, अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।